आपको हम बताएं कि मधुबनी से वो बच्ची गायब है। नीतीश कुमार जी को हम समय देते हैं एक हफ्ते का, एक हफ्ते के अंदर मधुबनी से जो बच्ची जो कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से शिफ्ट कराई गई थी, जो सब कुछ जानती थी, और मधुबनी का जो शेल्टर होम नीतीश कुमार जी के करीबी संजय झा उनके पीए चलाने का काम करते थे, वहां से बच्ची गायब हुई है। अगर वो बच्ची को ढूंढ के नहीं लाते या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देते एक हफ्ते के अंदर, तो इसके लिए हम बड़ा आंदोलन मधुबनी जाकर के हम करने का काम करेंगे। अब जब इतना बड़ा खुलासा हो गया तो आपको लगता कि आप छापों से कुछ मिलने वाला कहीं? बच्चियां गायब करा दी जा रही हैं, मार दिया जा रहा फेंक के, ये दिस इज जस्ट आई वॉश। और आपको लगता है कि और सब सचेत नहीं हो गए होंगे? कितने महीने हो गए? ये सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। देश विदेश और अपने राज्य से जुड़ी खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप फेसबुक पर न्यूज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। न्यूज विशेष ब्यूरो।